हाँ, ये नाजरीन देखें, ये मस्जिद है, बाग वाली मस्जिद, और 125 के करीब इसके नीचे दुकानें हैं। ये हैं नाजरीन सीढ़ियाँ, दो मंजिल। अस्सलाम वालेकुम, तुसी हो इत्थे? की नाम? कदों की मस्जिद बनी? शेख साहब। सुल हज ये देखें 1406 हिजरी, 1986। माशाल्लाह, कितनी ये देखें, तकरीबन 40 साल होने वाले हैं। हल्ले की है? सारी मार्केट। अच्छा, थल्ले मार्केट है। ये अभी रेनोवेशन हो रही है इसकी। नाजरीन ये देखें गुंबद, ये देखें पुराना वही, माशाल्लाह। बहुत बड़ी मस्जिद है और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये है विहाड़ी का कदीम तरीन मस्जिद। वो देखें गुंबद कितना बड़ा है। ये पीछे भी बाजार है और इसके नीचे भी बाजार है। बाग वाली मस्जिद विहारी, यानी पहले यहाँ पे बल्दिया थी, बल्दिया बाग होता था, बाग के फिर ये ख़त्म हो के फिर यहाँ पे मार्केट जो है ये बन गई। और नमाजियों के बैठने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। मुझे लग रहा है कि 10,000 के करीब, 10,000 के करीब तो नमाजी बैठ सकते होने। 10,000 भी देख लिए। हाँ, जुत्ती उतार में माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत मस्जिद।
अस्सलाम वालेकुम। किस सिलसिले में बना रहे हैं? बस तो चैनल है, दिखा रहे हैं बिहारी की सकाफत और बिहारी की पुरानी कदीम मस्जिद। कब से है ये वैसे, ये जो डेट लिखी हुई है ये तो इसमें तो कंप्लीट हुई है ना ये सर 1952 में, मतलब 1952 में। हाँ ये देखें ना, ये कंप्लीट जो है नाजरीन ये हुई है 1986 में, जबकि ये आपका नाम सर कारी साहब। अच्छा माशाल्लाह, आप इधर ही हैं? नीचे मस्जिद है, इसके नीचे पहले 1952 में नीचे मस्जिद बनी, उसके बाद ये ऊपर मस्जिद बनी, ये 1986 में मुकम्मल हुई। तो ये बाग मस्जिद क्यों कहते हैं? बाग वाली मस्जिद यहाँ थे, जवार में बागात तो मतलब बूटे थे ये, मतलब ना जैसे आम के और जामुन वगैरह के ना, तो इसलिए बाग वाली मशहूर। तो मस्जिद की ये फिर पूरा जो खर्चा है, ये नीचे जो दुकानें रेंट पे दी हुई हैं उससे खर्च पूरा होता है? अच्छा, तो जो नीचे मस्जिद है वो छोटी सी मस्जिद है? वो मस्जिद इसके नीचे मस्जिद भी है, जितना मस्जिद है उसके नीचे भी मस्जिद। अच्छा वो भी नीचे, वो कहाँ से जगह है उसकी? वो नीचे है पर अभी वो बंद है, मतलब ना नीचे काम हो रहा है वहाँ। अच्छा वहाँ रेनोवेशन, नाजरीन ये रेनोवेशन हो रही है इसकी, अंदर से भी, अंदर से मैं दिखाता हूँ। चलो कोई नहीं नाजरीन, ये 1952 से अब इसकी सही तारीख जो है हमें मिली है। नाजरीन ये देखें, माशाल्लाह नाजरीन ये देखें, ये पहले भी मैं ऐसी ही एक मस्जिद, ये अल्थात एक मस्जिद। अच्छा जी कारी साहब, बहावलपुर में है जामे सादिक जी, मस्जिद सादिक। ये मुझे लग रहा है कि ये डिजाइनिंग जो है तकरीबन मिलती जुलती है, कई मुल्तान के कारीगरों ने उन्होंने बनाई है सारी डिजाइनिंग माशाल्लाह। ये नक्शो निगार देखें और ये डिजाइनिंग देखें, वो ही है जामे सादिक। ये देखे ये डिजाइनिंग देखे, हमारी मस्जिद के प्रेसिडेंट शेख अब्दुल लतीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत है? बरकातु जनाब अली, अल्हम्दुलिल्लाह। सब क्या हाल है, खैरियत है? ये ना मैं असल में बिहारी आया, मैंने कहा भी कोई बिहारी की कोई कदीम तरीन कोई जगह, फिर वो पता चला भी ये एक बाग वाली मस्जिद है। और कदीम तरीन और यूं कहें कि अल्लाह का घर। अल्लाह का घर, हाँ बिल्कुल अल्लाह का घर, बिल्कुल। आपने अल्लाह के घर को पसंद किया, अल्लाह आपको पसंद किया? अल्लाह आपको पसंद किया। ये मैं ना मस्जिद अल सादिक है बहावलपुर में, जामे मस्जिद, और उसकी जो डिजाइनिंग है ना सर, ये मैंने दिखाई है, ये उससे तकरीबन जो है मिलती जुलती है। उसके ही नक्शे से बनी, उसी के नक्शे से बनी, उसी के नक्शे। अच्छा उसकी जो हमें तारीख का पता चला है वो 1860 में बनी थी, नीचे वाला पोर्शन वो छोटा था, फिर नवाब साहब जो है हाज से वापस आया तो 1935 में उन्होंने रेनोवेशन की, दोबारा से बनाया, फिर ऊपर वाला जो है हिस्सा बनाया उसका। आपका भी यही पता चल रहा है, अभी नीचे भी पोर्शन है वैसे ही जो जामे अल सादिक बहावलपुर का है, और जो ऊपर वाला जी बहुत माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आप लोगों को अजर दे। ये जो हमारे बुजुर्ग थे उनसे शुनीद की हद तक मैं बात कर रहा हूँ कि ये जामिया सादिक के साथ ही इसका नक्शा जो है वो मुंसलिक है, बिल्कुल मुंसलिक। और नीचे जो तमीर हुई वो पहले हुई, अच्छा। ये तमीर बाद में हुई, लेकिन ये सन 1952 में शुरू हुई है इसकी इब्तदा, और 1952 में तो अभी तक जारी है, अभी तक जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से यहाँ बच्चों का, बच्चियों का, बनीन और बनात का जो है वो दर्जा हिफ्ज भी है, दर्जा कुतुब भी है, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रिपल स्टोरी मस्जिद है, और इसकी दिन दुगनी, अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। ये अंजमन और ये मस्जिद, ये इस शहर के बासी जितने बिहाड़ी शहर के लोग हैं, ठीक है, उनकी हमारे साथ, हमारी मस्जिद के साथ बड़ी, यूँ कहने की अल्लाह की रजा के लिए बड़ी मोहब्बत है इस मस्जिद और इस अदारे के साथ।
बिल्कुल पता चल रहा है जी, बिल्कुल। क्योंकि ये जो इदारा है इसने यहाँ से बड़े बड़े आलम पैदा किए, बड़े बड़े मुफ्ती पैदा किए और बड़े मुख्तम पैदा किए, बड़ी बच्चियां आलमा पैदा की हैं, बड़े हाफिज पैदा किए हैं, हाफिज कुरान हुए हैं यहाँ से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह तबारक ताला का ऐसा पाकीज़ा घर है कि जहाँ से लोग कुरान ले लेके जा रहे हैं और आगे जा जा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और यानी इस्लाम की और जैसे कुरान जो अल्लाह ताला की तालीमात हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उसको फैला रहे हैं। जब यहाँ से एक जगह से यानी चश्मा फूट रहा है, चश्मा फूट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक शेख साहब मैं माजरत के साथ एक बात जो है आपसे कहूँगा, आप माशाल्लाह इसकी रेनोवेशन कर रहे हैं, ये 1952 से अभी तक बन रही है। हमारे यहाँ जो मस्जिद है ना, जब हम उसको देखते हैं वो ओकाव के पास है, बहावलपुर की अल सादक की मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो उसके अब फर्श जो हैं वो टूट फूट का शिकार है जी जी। वो भी मुझे बड़ा दुख पहुँचता है। हमें तो एक इसकी ईंट टूट जाए ना तो जितना दुख उसका होता है ना, इतना किसी बिल्डिंग के गिरने का दुख नहीं होता। जबरदस्त, ये देखें ये अल्लाह, और इसका अजर तो आगे मिलना है ना। और ये जो अगले जहां है, ये जो अंजुमन काम कर रही है ये फी सबीलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए कर रही है। अंजुमन का कोई साथी यहाँ से कोई वजीफा नहीं लेता और जो भी कर रहा है अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है। और देखें नाज़रीन, ये देख लें, ये एक मैंने कहा भी आपको बाग वाली मस्जिद और उनके जो हेड हैं शेख साहब, उनकी ज़बानी जो है ये पता चला है कि ये अपनी मदद आपके तहत ये सारा निज़ाम चल रहा है और बिहाड़ी के जितने भी अवाम है वो इसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और इसमें से जो बच्चे या बच्चियाँ कुरान मजीद है उस करके आगे इलम की जो शम्मा है उसको आगे फैला रहे हैं, रोशन कर रहे हैं। तो ये बर्रे सगीर की मिसाल है और ये तारीख की मिसाल है और इंशाल्लाह इस्लाम जो है वो आगे ऐसे ही फैलता रहेगा ता क़यामत। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफीक दे। और इस वक्त मैं इजाज़त चाहूँगा और शेख साहब से भी शुक्रिया आपका कि आपने अपने अल्फाज से हमें मुस्तफीद किया। तो माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह खैरा, मैं आपसे भी दुआ करूँगा और तमाम अहले इस्लाम से ये दुआ की अपील करूँगा, अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और आप लोगों को दीन के लिए कबूल फरमाए, आमीन। और हम सबको अल्लाह तबारक तआला दुनिया और आखिरत की खैरें, भलाइयाँ, खुशियाँ, इज्जतें और सलामती अता फरमाए। ठीक, तो आप भी इतनी यहाँ दर्जा हिफ्ज के माशाल्लाह, इन्होंने 13 मसल्ले यहाँ सुनाए हैं, 6 मसल्ले मालदीव के मुल्क में सुनाए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, रिहायश इधर की है मेरे पास, हाँ जी, बहावलपुर के रहने वाले। बहावलपुर किस जगह से? ये मौजा इस्माइलपुर, हाँ ये झांगड़ा साइड। जी जी, तो आप झांगड़ा से हैं? जी जी, झांगड़ा से। इस्माइलपुर यानी कि ये इंटरचेंज बना है अभी नया। हाँ जी जी, तो मुबारकपुर से आगे पुल फारुखाबाद आ जाता है, फिर हथेजी आ जाता है, फिर आगे झांगड़ा आ जाता है। तो माशाल्लाह इस्माइलपुर में से उलमा कराम हैं वहाँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं भी बिलोंग टू बहावलपुर और एक रिटायर्ड प्रोफेसर और एमफिल हिस्ट्री और पुरानी जो जितनी भी कदीमी यानी के अपनी मसाजिद हैं जो बहावलपुर स्टेट ऑफ बहावलपुर को आप जानते ही होंगे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो हम करते रहते हैं। बहरहाल जी, ये बड़ी खुशी हुई है हमें और खास तौर पर आपको, आप देख के बड़े हैरानगी हुई है, अभी इतनी दूर दराज से भी देखें कारी साहब। जी 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 जी, माशाल्लाह, आप भी मुतारफ हो गए चैनल में इंशाल्लाह और राबता रहेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, कारी साहब आ रहे हैं, वो भी मैं आपसे, वो भी भावलपुर से हैं, वो भी भावलपुर से, भावलपुर से हैं। अच्छा, वो भी यहीं पढ़ाते हैं दर्जा हिफ्ज को अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में नमाजियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से गर्म पानी का इहतमाम, सफ़ों का इहतमाम, नमाजियों के लिए लेडीज के लिए ऊपर बनात में लेडीज का ऊपर इंतजाम, माशाल्लाह लेडीज आती हैं हर प्रोग्राम में। यहाँ हर साल सही खत्म बुखारी का प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चियों को दुपट्टा पोशी की जाती है और बच्चियों को जो है असनाद दी जाती हैं और जो बच्चे हैं उनको दर्जा हिफ्ज की असनाद दी जाती हैं, बच्चियों को आलमा की असनाद दी जाती हैं, उनकी दुपट्टा पोशी की जाती है और उनके वालदैन बुरसा उन बच्चियों को ले जाके आलम हजरात के साथ उनकी शादियाँ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे जाके इदारे मदरसे बनाती हैं और दीन का काम जो है वो अल्लाह के फजल व करम से इस तरह फैला रहे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त जी। हमारे अल्लाह और अल्लाह के नबी ने यही फरमाया कि अल्लाह के इस दीन को जितना फैलाया जाए उतना ही कम है, उतना ही कम है। और ये बहावलपुर के साथ इस मस्जिद का, इन कुर्रा हजरात का
उसातज़ा कराम का बहुत सारा गहरा रिश्ता है और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इनको वहाँ से पसंद करके लेके आए हैं कि अगर नक्शा रिलेटेड है तो कम से कम हमारे जो उसातज़ा कराम है वो भी वहीं के होने चाहिए। तो कारी साहब असल मैं हूँ शेख साहब नाल यो गल करना खड़ा कि जो सा मस्जिद अल सादिक है ना सर ये मस्जिद का पूरी डिजाइनिंग उए है जी बिल्कुल तो पता ही हो से उनके तले भी इवें दुकाना है लेकिन वह महकमा औकाफ के अंडर है तो ई वेले हालात उनकी अबतर है यानी ये साढ़े वास्ते साढ़े एक असासा है ना एक बिल्कुल मैं मैं थोको भी डिसाड़े मैं तुसा भी कहीं विजिट करो आवाज़ असा बुलंद करेंगे पे हैं शायद उन्होंने अब सर करोड़ों रुपया जब मिलता है तो फिर उसको उस पर करें ना डिस्कस करें खर्च करना चाहिए उसके ऊपर खर्च करना चाहिए। और ये आप देखें कि जिसने अल्लाह के घर में एक ईंट लगाई उसने जन्नत में महल तामीर और ये हमारे हुकूमत हमारी हुकूमत को भी हमारे जितने MNA MP हजरात हैं और बिलखसूस अहलियान शहर जिस भी शहर में जो मसाजिद तमीर हो रही हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि वो मस्जिद ही पूरी बना के देंगे पैसा खर्च करें वो एक ईंट भी अगर लगाएंगे तो अल्लाह उसकी जजा आखरत में उनको एक महल की सूरत में देगा। हाँ जी। और इंशाल्लाह अज़ीज ये जो आप आवाज़ उठा रहे हैं ये कोई नेकी से कम नहीं है ये बहुत बड़ी नेकी है। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।